आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे हम पीसीआर। पीसीआर टेक्निक क्या होती है और इसका यूजेस क्या है, ये टॉपिक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सिलेबस के अनुसार बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर में है। उस पेपर का नाम है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड प्लांट्स बायोटेक्नोलॉजी। इसी पेपर से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पहले डिस्कस किया था, उसको पढ़ा था, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लाइगेज एंजाइम। आज हम उसी टूल्स और टेक्निक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पीसीआर। जैसा कि हम जानते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से वांछित जीन को डीएनए से पृथक किया जाता है, काटा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डीएनए को आकार के अनुसार या आणविक भार के अनुसार अलग अलग काटना। तो सबसे पहले उसको अलग अलग भागों में काटते हैं। इसके पश्चात वांछित डीएनए खंडों को अवांछित डीएनए खंडों से सेपरेट करने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन के लिए भी होती है, आरएनए के लिए भी होती है, डीएनए के लिए भी होती है। जब वो डीएनए खंड अलग अलग हो जाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर खंड हमारा डिजायर्ड जीन के रूप में है, वांछित जीन है, जिस खंड की हमें आवश्यकता होती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में प्राप्त होने वाला वो डीएनए खंड एक सिंगल कॉपी के रूप में होता है और हमें उसकी एक से अधिक कॉपी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करनी है, एक से अधिक प्रतियां प्राप्त करनी है। तो हमारे पास में एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसके माध्यम से उस डीएनए खंड की एक से अधिक कॉपी प्राप्त कर सके। क्यों करें हम? क्योंकि हमें उस डीएनए खंड की पुनः आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एक बार एक प्रति को यूज कर लिया और पुनः उसी प्रति की आवश्यकता है, तो हमें वापस वही प्रोसेस लेना पड़ेगा, सोर्स सेल लेनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको उपचारित करना पड़ेगा, उसके बाद में पुनः जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी, लंबी प्रोसेस से हमें पुनः गुजारना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, जो प्रति हमें प्राप्त हुई है उसकी एक से अधिक प्रतियां प्राप्त करके नियमित करके उसको रिजर्व के रूप में रख लें, तो आवश्यकता पड़ने पर उन प्रतियों का उपयोग किया जा सकता है। एक से अधिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए हम जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं उस टेक्निक का नाम है पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर, जिसे हम पॉलीमर चेन रिएक्शन कहते हैं, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस होती है। और इस पीसीआर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आणविक जीव विज्ञान में एक सिंगल कॉपी या कुछ कॉपियों से या थोड़े बहुत डीएनए के खंड होते हैं, उससे एक से अधिक कॉपियां, जो कि थाउजेंड के अंदर हो सकती है, मिलियन के अंदर हो सकती है, तो एक सिंगल डीएनए खंड से, एक पर्टिकुलर डीएनए खंड से करोड़ों की संख्या में प्रतियों को प्राप्त करने के लिए इस पीसीआर का उपयोग किया जाता है। तो नाम क्या होगा इसका पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक्स की खोज सबसे पहले 1983 में कैरी मुलस के द्वारा की गई थी।
केरी मुलिस के द्वारा प्रतिपादित इस तकनीक का उपयोग सामान्य तौर पर क्लिनिकल और रिसर्च लेबोरेटरीज के लिए किया जाता है, जहाँ कहीं पर भी डीएनए की कई कॉपियाँ प्राप्त करनी है, प्रतियाँ प्राप्त करनी है, तो हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। और ये टेक्निक पीसीआर कैरी मुलिस के द्वारा डेवलप की गई थी, इसीलिए इसलिए पीसीआर की खोज करने के लिए 1993 में कैरी मुलिस को केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हुए पीसीआर की खोज की, इसीलिए केमिस्ट्री के रसायन के क्षेत्र में इन्हें हैं नोबल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इन 1993 कैरी मुलिस वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन पीसीआर। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाले कंपोनेंट क्या है, जैसा कि हमने इससे पूर्व क्लासों में पढ़ चुके हैं, क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि पीसीआर होती क्या। तो पीसीआर में कोई तीन स्टेप होता है जिसमें कई आवश्यक घटक होते हैं। तो आवश्यक घटक में क्या क्या है, कंपोनेंट क्या है, तो एक तो होता है डीएनए टेम्पलेट, सेकेंड होता है टेक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मैग्नीशियम आयन और पीसीआर मशीन। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो डीएनए टेम्पलेट। ये डीएनए टेम्पलेट वही है जिसे हम डीएनए कॉपीज के रूप में मानते हैं, डीएनए खंड के रूप में मानते हैं। तो एक डीएनए का छोटा सा खंड होगा जिसमें निश्चित संख्या में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, हम इसको एक जीन के नाम से जान सकते हैं, जानते हैं। और इसी डीएनए की सहायता से इसी के समान कई डीएनए की कॉपियां हम प्राप्त करेंगे। एक टारगेट सीक्वेंस युक्त डीएनए होता है, टारगेट का मतलब जैसे इसमें ए टी टी सी और जी है, तो इसके पूरक क्या आएगा, टी ए जी सी, एक निश्चित डीएनए खंड हुआ, निश्चित सीक्वेंस का डीएनए खंड हुआ, इसको टारगेट, ये एक डीएनए खंड। अब हम जितने भी डीएनए खंड बनाएंगे वो किसके समान होंगे, इसी के समान होंगे, क्योंकि एक रजू इससे निर्मित होगी, दूसरी रजू इससे निर्मित होगी, तो पूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ने के कारण सेम के सेम डीएनए खंड हमें प्राप्त होंगे। सेकंड जो कंपोनेंट हैं वो हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हम जानते हैं रेप्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ा है ये प्रोसेस, ठीक रेप्लिकेशन के समान ही है। तो रेप्लिकेशन के अंतर्गत पढ़ा था कि रेप्लिकेशन के लिए कुल तीन प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रयुक्त होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्योंकि पीसीआर के अंतर्गत हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए उस रेप्लिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले डीएनए पॉलीमरेज प्रयुक्त नहीं होते, क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण वो पॉलीमरेज डीनेचर हो सकते हैं। इसलिए ऐसे पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है जो कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, तो वो हमें उच्च ताप पर स्थायी थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए, और ये एंजाइम प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया उच्च ताप में जीवित रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले सभी एंजाइम उच्च ताप पर सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय रहने के कारण वो डीनेचर नहीं होते। तो इस बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन को प्रेरित करने वाला पॉलीमरेज होगा वो भी थर्मोस्टेबल होगा। इसी बैक्टीरिया से इस पॉलीमरेज को प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया टेक डीएनए पॉलीमरेज। टी का मतलब थर्मस, ए क्यू का मतलब एक्वाटिकस, तो ये बैक्टीरिया जिसे सोर्स है। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के थर्ड
कार्बन पर उपस्थित OH समूह से जुड़ करके रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। तो कौन सा DNA पॉलीमरेज लेंगे? TAQ पॉलीमरेज। सामान्य तौर पर टेक DNA पॉलीमरेज सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला पॉलीमरेज एंजाइम है। इसके अतिरिक्त PFU DNA पॉलीमरेज भी प्रयुक्त किया जाता है। P का मतलब होता है पायरोकोकस, FU का मतलब होता है फ्यूरोसस। तो इस पायरोकोकस फ्यूरोसस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। ये भी थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया है। तो सेकेंड प्रकार का DNA पॉलीमरेज हुआ, वो हुआ PFU DNA पॉलीमरेज। हम इसको टेक DNA पॉलीमरेज की तुलना में ज़्यादा यूज करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि ये DNA पॉलीमरेज की तुलना में आसानी से और इजी वे से न्यूक्लियोटाइड से जुड़ सकता है। इसके साथ में जो मैग्नीशियम आयन ले रहे हैं वो भी बफर में एक कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है, जो कि इस DNA के लिए आवश्यक होता है। इसलिए सामान्यतः जनरल प्रोसेस में या अधिकांशतः हम टेक DNA पॉलीमरेज का उपयोग करते हैं, लेकिन हायर एक्यूरेसी के लिए PFDNA पॉलीमरेज को प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से DNA पॉलीमरेज लेंगे वो दो प्रकार के, TAQ पॉलीमरेज और PFU पॉलीमरेज। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार के घटक जो काम लिया था, प्राइमर। प्राइमर एक न्यूक्लियोटाइड्स भाग होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जो DNA की पूरक होते हैं, और वो 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होते हैं। करते क्या है ये DNA पॉलीमरेज के साथ जुड़ करके उसको स्टार्ट करने की प्रक्रिया अपनाते हैं और थर्ड कार्बन से जुड़ करके प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, रेप्लिकेशन को प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण DNA पॉलीमरेज इजी वे से कार्य कर सके। DNA पॉलीमरेज उसी स्थिति में कार्य करता है जब टेम्पलेट रेजिड्यू के थर्ड कार्बन से कोई प्राइमर जुड़ा हुआ हो। तो ये 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर PCR में सामान्य तौर पर यूज किया जाता है। ये जो प्राइमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्राइमर होता है वो फॉरवर्ड प्राइमर होता है, और दूसरा जो प्राइमर होता है वो रिवर्स प्राइमर होता है। तो कितने प्राइमर हुए? दो प्रकार का प्राइमर। दोनों प्राइमर कार्य कैसे करेंगे? DNA खंडे ये एक थर्ड डैश है, एक फाइव डैश है, एक फाइव डैश थ्री डैश है और दूसरा फाइव डैश है। तो इस दिशा से और दूसरा इस दिशा से रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है। तो जो फाइव से थर्ड डैश की ओर कार्य करता है, फाइव से थर्ड डैश की ओर, उसको हम वो सेंस रेजू से जुड़ेगा, उसको फॉरवर्डिंग रिवर्स नाम देंगे, जबकि दूसरे को फॉरवर्डिंग कहेंगे। तो प्राइमर कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के, रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हो, ये एक सेंस स्टैंड है, जबकि ये एंटी सेंस। एंटी सेंस से थर्ड डैश थर्ड एंड पर जुड़ने वाला प्राइमर होगा, फाइव एंड से जुड़ेगा, तो ये फाइव से थर्ड की ओर बढ़ेगा आगे, फाइव से थर्ड की ओर। एंटी सेंस से जुड़ने वाला प्राइमर फॉरवर्डिंग प्राइमर कहलाएगा, जबकि सेंस रजू से जुड़ने वाला प्राइमर कौन सा कहलाएगा? रिवर्स प्राइमर कहलाता है। दोनों ही प्रकार के प्राइमर हमेशा थर्ड एंड से ही जुड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिवर्स कार्य करते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्डिंग कंडीशन और ये हो गई रिवर्स कंडीशन। तो इसको नाम देते हैं रिवर्स, इसको नाम देते हैं फॉरवर्डिंग। सेंस स्टैंड से जुड़ने वालों को क्या कहेंगे? रिवर्स कहेंगे, जबकि एंटी सेंस से जुड़ने वालों को फॉरवर्डिंग। तो प्राइमर कितने प्रकार के हुए? ये 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होते हैं और रिवर्स होता है फॉरवर्डिंग में डिवाइड होते हैं। इन प्राइमर की डिजाइन कैसे होती है, कैसे इसको निर्मित किया जाता है? तो इन प्राइमर को इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि उसकी कम सांद्रता में प्राथमिक मात्रा में ही वो अधिक मात्रा में या अधिक कैपेसिटी के साथ क्रिया करते हुए PCR को प्रोसेस्ड करें। प्राइमर की करेक्टर्स क्या होने चाहिए? तो उसके हमेशा एक एंड पर जो जिससे वो जुड़ेगा उस पर ग्वानिन और साइटोसिन सीक्वेंस होने चाहिए, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन ही पूरक DNA खंड के साथ जुड़ेगा,
तो हमें ये पता है कि यदि जी होगा तो पूरक कौन सा होगा, सी होगा। दोनों के मध्य तीन हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि यदि सी होगा तो कौन सा होगा, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन बंध बनेंगे। तो तीन हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये टेम्पलेट से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। यदि इसी स्थिति में यदि एडिनिन या थाइमिन युक्त नाइट्रोजन सारक थर्ड एंड पे हो जाए तो क्या होगा, वो पूरक नाइट्रोजन सारक से दो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ने के कारण वो थोड़ा सा दुर्बल होता है। तो प्रबलता से यदि प्राइमर जुड़ता है तो रेप्लिकेशन की या पीसीआर की प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। इसलिए ज़रूरी है कि प्राइमर शुड प्रेफरेबली एंड ऑन ए ग्वानिन एंड साइटोसिन सीक्वेंस टू डेट इट कैन अटैच विद सफिशियंट स्ट्रेंथ विथ टेम्पलेट। और यदि एडिनिन और थाइमिन जुड़ेगा तो क्या होगा, एडिनिन थाइमिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, सिंगल हाइड्रोजन बंध या डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा, फलस्वरूप वो बंध होगा, वो कैसा होगा, वीक होगा। वीक होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध उस प्राइमर को डीएनए से जोड़ के रखने में, उसको होल्ड करने में सामर्थ्य नहीं होते। इसलिए हमेशा प्राइमर की डिजाइन करते समय, नियमित करते समय एक एंड पर, फाइव एंड पर सी अथवा जी न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। न्यूक्लियोटाइड के बाद में प्राइमर के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीसीआर के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है वो है न्यूक्लियोटाइड, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डी एन टी पी एस। विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए रजु को नियमित करने के लिए आवश्यक है, जैसे ये एक डीएनए रजु बनेगा, ए बनेगा, टी बनेगा, सी बनेगा, जी बनेगा, तो ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसलिए अरबों की संख्या में विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पीसीआर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और वो किससे होंगे, एडिनिन के होंगे, ग्वानिन होंगे, साइटोसिन होंगे, थाइमिन होंगे और यूरोसिल होगा। यूरोसिल हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमें आरएनए का निर्माण करना होता है अथवा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चलानी होती है। पीसीआर के लिए मैग्नीशियम आयन भी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, आवश्यक है। मैग्नीशियम इफेक्ट करता है प्राइमर एनिलिंग को और टेम्पलेट डीनेचर को। डीनेचर का मतलब दो रज्जुओं को पृथक करने की प्रक्रिया, और एनिलिंग का मतलब दोनों रज्जुओं को जोड़ना, प्रारंभ करना। इसके लिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है, ये नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाता है। यदि मैग्नीशियम की सांद्रता कम हो जाती है उस कंडीशन में लेसर अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जिस डीएनए खंड का कॉपी प्राप्त करने वाले उसकी हमें कम मात्रा प्राप्त होगी, प्रॉपर मात्रा प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए किसकी जरूरत होती है, मैग्नीशियम की। कंपोनेंट पढ़ने के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है। कंपोनेंट कौन कौन से पढ़े, डीएनए टेम्पलेट पढ़ा, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पढ़े, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा, आरएनए प्राइमर पढ़ा, प्राइमर पढ़ा और मैग्नीशियम पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, इस प्रक्रिया के लिए सभी घटकों को मिक्स करके मशीन में एक ऑटोमेटेड साइक्लर होता है, उस साइक्लर के अंदर हम उसको डाल देते हैं और डालने के बाद में एक प्रोसेस को प्रारंभ करते हैं। इस पीसीआर की प्रक्रिया तीन भागों में संपन्न होती है, जिसमें से सबसे पहला भाग है डी नेचर ऑफ डीएनए खंड। क्या करना, डी नेचर, जब डीएनए खंड को या उस मिक्सर को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते, हीट करते हैं और ये हीटिंग इसके लिए एक मिनट तक रखते हैं, तो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, डी नेचर। डीएनए कार्य करता है जब वो डबल स्ट्रैंड हो, जब डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है तो वो विकृतीकरण हो जाता है, कार्यशील नहीं होता। तो हम क्या करें, इसकी विकृतीकरण करें। विकृतीकरण करने के लिए क्या करते हैं, 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक मिनट तक उसको गर्म करते हैं, जिससे दोनों डीएनए रजू पृथक हो जाती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये है एक डायग्रामेटिक पोर्शन जिसके अंतर्गत ये एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इसमें स्टेप पहला आया, डीनेचर किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, दो अलग अलग प्रकार के रज्जुओं का
निर्माण हो जाता है। सेकेंड जो स्टेप आता है उसको हम नाम देते हैं एनीलिंग। एनीलिंग में क्या करेंगे, जैसे डी नेचर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, डीएनए की दोनों घटक अलग अलग हो जाते हैं, दो रज्जुओं का निर्माण हो जाता है, तो वापस टेम्परेचर को कम करते हैं। और ये टेम्परेचर कितने डिग्री तक करते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। इस दौरान क्या होता है, दो पूरक डीएनए रज्जु आपस में जुड़ जाती है, उनके मध्य उपस्थित डीएनए घटकों के मध्य उनके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। इस एनीलिंग प्रोसेस में सबसे पहले पूरक घटक जुड़ेंगे वो क्या होंगे, पूरक घटक जुड़ेंगे वो होता है प्राइमर, फॉरवर्डिंग प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। किससे जुड़ेंगे, पूरक डीएनए रज्जु से जुड़ते हैं, और कहाँ से जुड़ेंगे, वो थर्ड एंड से जुड़ेंगे। टेम्परेचर लो होगा तो प्राइमर और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के मध्य हाइड्रोजन बंध है वो प्रबल रूप से जुड़ जाते हैं। जब एनीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है अर्थात प्राइमर जुड़ जाता है, उस स्थिति में उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। कितना किया जाता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस प्रोसेस के अंतर्गत प्राइमर की सहायता से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है और 5 से 3 डेज के अंतर्गत ग्रोथ होना प्रारंभ हो जाती है। 5 से 3 डेज में पूरक होगा, इस तरफ से होगा भी इस तरफ से होगा, जिसके बल से पूरक डीएनए खंड न्यूक्लियोटाइड को ला करके डीएनए पॉलीमर जुटा रहेगा, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे डीएनए के एक नई रज्जु निर्मित हो जाएगी। जो पहले से निर्मित रज्जु है उसकी पूरक दूसरी बनेगी, इसकी भी पूरक है वो 2 बनेगी। इसके बाद में जो थोड़ा सा टेम्परेचर और कम करेंगे, कितना करेंगे, 72 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे, तो दोनों पूरक रज्जु आपस में जुड़ जाती है। तो एक पूरक रज्जु ये पहले से निर्मित है और ये पूरक रज्जु जो नवनिर्मित है वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से पहले से नवनिर्मित ये और दूसरी पहले से मौजूद ये रज्जु आपस में जुड़ जाती है, तो एक डीएनए खंड ये बन जाता है और दूसरा डीएनए खंड ये बन जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंतर्गत डीएनए रज्जु की लंबाई में वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको विस्तरण या एक्सटेंशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेप लगभग 35 से 40 मिनट तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में उस प्रोसेस को वापस चलाया जाता है। वापस क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे, एनीलिंग करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। तो एक स्टेप के अंतर्गत तो नियमित दो, एक से दो कॉपी बनेगी, दो से कितनी बनेंगी, फिर 4 बनेगी। तो हम लगभग इस साइकिल सिस्टम को 35 से 40 बार दोहराए, बार बार उसको घुमाते रहे, तो लगभग करोड़ के आसपास मिलियंस कॉपी उसकी प्राप्त हो सकती है। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 4 से लगाकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसको थोड़ा सा रोका जाता है, और रोकने के बाद में इस रोकने की प्रोसेस में क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट होने से या कई सारे साइकिल कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट साइकिल को प्रारंभ करने से पहले एक बीच में गैप देते हैं। गैप देते समय हमें टेम्परेचर रखना है 4 से लगाकर 15 डिग्री, और इस गैप के दौरान नवनिर्मित डीएनए खंड की एक मेंटेनेंस की प्रोसेस हो जाती है, अनावश्यक भाग हट जाते हैं और डीएनए खंड वापस कॉपीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसको नाम देते हैं हम फाइनल होल्ड कहते हैं। इस प्रकार से हम पीसीआर के माध्यम से हमारे पास में जो एक वांटेड जीन है, एक जीन, इस जीन के द्वारा फर्स्ट साइकिल हुआ तो कितनी कॉपी बनेगी, 2, और फर्स्ट साइकिल में कितने स्टेप होंगे, 3, फिर सेकेंड साइकिल चलाएंगे तो वहाँ पर 2 से कितनी बनेगी, 4, इसमें भी कितनी होगी, वापस वही 3 स्टेप युक्त होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा तो कितनी होगी, थर्ड स्टेप के अंतर्गत वापस 4 कॉपी, तो 4 से कितनी हो जाएगी, इससे भी 2 बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, इससे भी 2, तो टोटल 8 कॉपीज हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम 2 की घातांक के अंतर्गत इसकी ग्रोथ कर रहे हैं 2 की घातांक। 2 साइकिल हुआ तो कितनी कॉपीज प्राप्त होगी, 4, 3 साइकिल हुए तो कितनी प्राप्त होगी, 8 कॉपीज प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यदि हम कुल
35 साइकिल चला रहे हैं, 35 या 36 साइकिल चला रहे हैं, तो 2 की पावर 36 यदि होती है तो लगभग 68 मिलियन बिलियन के आसपास आपको कॉपी प्राप्त हो जाती है। कितनी प्राप्त होगी? 68 बिलियन कॉपीज। पीसीआर की टेक्निक्स पढ़ने के बाद में अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके कारण ये पीसीआर अच्छी तरह से कार्य कर सके, हमें प्रॉपर वॉल्यूम के अंदर प्रॉपर मात्रा में कॉपीज प्राप्त होती है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि 94 से 95 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो कि डीनेचरिंग के लिए होता है तो सबसे बेस्ट होता है 30 से 60 सेकंड तक, एक मिनट तक रखते हैं तो बेस्ट। यदि इससे कम टेम्परेचर रखा तो डीनेचरिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, और यदि हमने 95 से भी ज़्यादा उच्च ताप रख दिया तो ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी लॉस हो सकती है। किसकी? टेक डीएनए पॉलीमरेज की, जिसके फलस्वरूप पीसीआर की प्रक्रिया है प्रभावित। ये एक मशीन है, इस मशीन को हम पीसीआर मशीन कहते हैं। इस मशीन के अंतर्गत 0.2 ml पीसीआर ट्यूब्स में विभिन्न प्रकार के घटक का मिक्सर लेकर के उसके अंदर डालना होता है, उसके बाद में उसको जैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में ये अपनी प्रोसेस को प्रारंभ कर देता है और एक निश्चित समय के बाद में मशीन को बंद कर देते हैं, उसके बाद में ऐसे उसमें मिक्सर को निकाल देता है, उसमें बहुत सारी डीएनए कॉपीज प्राप्त होगी जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हम उसको पृथक कर सकते हैं। जिस पीसीआर टेक्निक्स को हमने पढ़ा है इसका उपयोग क्या हो सकता है, तो उपयोग देखिए मॉलिकुलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, और उपयोग के द्वारा क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिजायर्ड जीन का कई सारी कॉपीज प्राप्त करते हैं, तो हम इसको नाम दे सकते हैं, इसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, किसका, डीएनए का कर सकते हैं। अब ये डीएनए पैथोजेनिक भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो एक पर्टिकुलर का प्रयुक्त होने वाला उपयोगी डीएनए इसका हम एप्लीफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है, इवोल्यूशन सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए भी हम इसको कर सकते हैं। तीसरा, इस पीसीआर की सहायता से विभिन्न प्रकार के डीएनए सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, जैसे कि किसी क्राइम लैब के लिए होता है, फॉरेंसिक जांच के लिए या फॉरेंसिक केस वर्क के लिए इसका उपयोग हो सकता है कि पर्टिकुलर डीएनए उसी व्यक्ति का है अथवा नहीं। पीसीआर की सहायता से कई मेलिंजेंट डिजीज जैसे कि ल्यूकेमिया या लिम्फोमास को भी हम डायग्नोस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस डीएनए सैंपल्स की पीसीआर के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस मेलिंजेंट कोशिकाएँ कौन सी प्रकार की है, इन्फेक्टिंग एजेंट कौन सा है, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है, एनएरोबिक बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है, तो हम आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं, पैथोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का पैथोजन इसके अंदर प्रयुक्त हो रहा है। विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन जो जीन के अंदर हो जाते हैं, उस जीन उत्परिवर्तन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है वो पीसीआर। पीसीआर की सहायता से उस उत्परिवर्तन को और एम्प्लीफाई कर सकते हैं और एक प्रोब की सहायता से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से कई क्षेत्रों में पीसीआर के माध्यम से जीन एम्प्लीफिकेशन, डिटेक्शंस इत्यादि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया है पीसीआर के बारे में, एक सिंपल से प्रकार की पीसीआर प्रोसेस जिसके द्वारा जीन एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। थैंक यू।